now. हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। इस प्लांट का नाम है मैक्सिकन हैदर और इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कफिया हाइसोपिफोलिया फ्लैक्स हैदर और भी इसे बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो आज हम इसी प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से इस प्लांट की केयर करेंगे। मैक्सिकन हैदर प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत दिखने में खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये देखिए पिंक कलर के इसके फ्लावर्स हैं और ये एक परमानेंट प्लांट है, मतलब कि ये साल भर फ्लावरिंग करता है। और इसमें दो कलर आते हैं, एक तो ये लाइट पर्पल कलर का है और एक प्लांट आता है जिसमें वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये जब ग्रो करता है बहुत ही ज़्यादा फैल के पूरे पॉट में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और उसमें जब फ्लावरिंग हो जाती है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है ये प्लांट। ये प्लांट छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो ये सीड्स से भी ग्रो हो जाता है और ये छोटी सी कटिंग भी अगर आपने इसकी लगा दी तो भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत ही जल्दी ये ग्रो होता है और इसमें और ये बहुत ही जल्दी फैल जाता है पूरे पॉट में और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए हम किस तरह की सॉइल प्रिपेयर करेंगे। तो इसको आप किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं बट ग्रो करेगा। अगर आप सैंड वाली सॉइल यूज करते हैं जिसमें सैंड की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो तो ये और भी ज्यादा सैंड की वजह से इसकी जड़ों को ज्यादा फैलने की जगह मिलेगी, जिससे कि ये और भी अच्छे से ग्रो करेगा। इसके लिए थोड़ी सी सैंडी सॉइल प्रिपेयर करेंगे तो वो इसके लिए और भी अच्छी रहेगी। और इसे आप कंपोस्ट देते रहिए हर 15 दिन पर या महीने में एक बार भी अगर आप इसे कंपोस्ट दे देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से। आप इसे एनपीके 5-6 दाने इसको दे देंगे अगर 15 दिन पर तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं कि इसे हम कैसी जगह पर रखेंगे। तो इसे फुल सनलाइट में नहीं रखना है, इसको आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पार्शियल सनलाइट आती हो या फिर मॉर्निंग या इवनिंग की सनलाइट आती हो 1 या 2 घंटा, तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। बट अगर आपने इसको फुल सनलाइट में रख दिया तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसकी जो लीव्स है वो बर्न हो जाएंगी। आप इसको इनडोर नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आपको सनलाइट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप इसको या तो ऐसी जगह पर रख दिए जहाँ पर कोई बड़ा ट्री हो उसके नीचे रख दीजिए जहाँ पर छनकर सनलाइट आती हो, जिससे कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप को कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ेगा। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। बात करते हैं कि हमें इसको किस तरह से पानी देना है। तो पानी देने के लिए सबसे पहले इसके सॉइल को टच करिए, अगर इसकी सॉइल मॉइस्ट हो तो इस पानी मत दीजिए। जब इसकी सॉइल 1 से 2 इंच तक ड्राई हो जाए तब आप इसको पानी दीजिए, तभी अच्छे से ग्रो करेगा। गर्मी के सीजन में आप इसको रेगुलर वाटरिंग करिए बट विंटर के सीजन में आप इसको रेगुलर वाटरिंग मत करिए, इसकी सॉइल को पहले चेक करके इससे वाटरिंग करिए तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी मैक्सिकन हैदर प्लांट को अपने घर में लाइए और जो मैंने केयर एंड टिप्स बताए हैं आप उनको ध्यान में रखते हुए इनका केयर करिए। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।